देश भर में COVID-19 वैक्सीनेशन जारी है। भारत में लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। वैक्सीन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब आसानी से व्हाट्सएप पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देश भर में COVID-19 वैक्सीनेशन जारी है। भारत में 50 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। वैक्सीन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसे डाउनलोड करने के लिए कोविन ऐप की मदद लेनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में OTP संबंधित समस्याएं सामने आई थी, मगर अब आपको आसानी से आपके व्हाट्सएप पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि यात्रा करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कार्यालय द्वारा ट्वीट कर इस मामले में जानकारी दी गई है। ट्वीट में लिखा गया है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम आदमी के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। अब 3 आसान स्टेप में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के माध्यम से COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके साथ ही नंबर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। रायगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन में वैक्सीनेशन के दौरान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 3 आसान स्टेप के साथ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। हमें मोबाइल नंबर 9190131515 पर व्हाट्सएप कर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करें और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भेजें। इससे पहले COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु उमंग मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड किया जा सकता था। इसे प्रत्येक खुराक के बाद डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए, जो वैक्सीनेशन के बाद जो मैसेज आता है उनके मोबाइल में, या तो उस मैसेज में ही लिंक दिया रहता है, उसको डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको लिंक मिलता जाता है और डाउनलोड होता है। और अगर मैसेज नहीं है आपके पास, पुराना है, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एक कोरोना हेल्प डेस्क करके एक नया वेबसाइट है, मैं आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। तो उसको फिर जब मैसेज उसमें डालते हैं तो एक आप उसमें कोविड सर्टिफिकेट लिख के डालेंगे, एक OTP आता है, उस OTP को डालेंगे, सर्टिफिकेट आ जाता है। बहुत इजी प्रोसेस है और सर्टिफिकेट निकल रहा है उसमें से। हाँ, वो ज़रूरी है उसमें। और या फिर आप नहीं है तो इस वाले जो मैं बता रहा हूँ कोरोना हेल्प डेस्क में, उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वो सर्च करके बता देता है आपके इस मोबाइल नंबर में, अगर आपका पहले का सर्टिफिकेट है तो। हाँ, तो उसके लिए या तो मेरे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर भानु पटेल है, एक पंकज VCCM हमारा जो है उससे उसको संपर्क कर सकते हैं, जानकारी हम देंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।